उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से शक्ति भवन का घेराव किया। वहीं कर्मचारियों ने घेराव में हड़ताल में हटाए गए बिजली कर्मचारियों की बहाली, एग्रीमेंट 18,000 करने, ईपीएफ घोटाला जांच कराने, बिजली संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे तमाम मुद्दों को उठाया। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है 12 चरणों में हम लोगों ने ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करके मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, कार्य के अनुरूप अनुबंध करने, कर्मचारियों को ₹18,000 वेतन देने, ईपीएफ घोटाले की जांच कराने, घायल कर्मचारियों का उपचार कराने, दुर्घटनाग्रस्त विकलांग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने को लेकर के हम लोग तमाम दिनों से ये संघर्ष कर रहे थे। और इस संघर्ष को करने के फलस्वरूप जब कुछ नहीं हुआ तो सारे कर्मचारी उग्र हुए और इसके बाद आज शक्ति भवन पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। हमारा प्रदर्शन 2023 में जो मार्च में जो हमने आंदोलन किया था तो उसको लेकर कुछ संविदा कर्मचारी को हटाया गया था, तो हमारे प्रदेश महामंत्री के द्वारा जो वार्ता प्रबंधन से की गई थी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो हटाए गए संविदा कर्मचारी वो कार्य पर लाए जाएंगे और 18,000 जो वेतन निमित जो वेतन है जो हमको सैनिक कल्याण निगम को जो वेतन दिया जाता है उसके अनुरूप हमको वेतन दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने द्वारा आश्वासन दिया गया है और 9 तारीख को हमारी जो मांग है उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जाएगा।